आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस में। आज हम चर्चा करेंगे UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाती है जो बाद में समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चर्चा करते हैं UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या होती है? क्या कभी आपने सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट के DM कैसे बनते हैं, SP कैसे बनते हैं, IAS कैसे बनते हैं, IPS कैसे बनते हैं? वो कौन सी एग्जामिनेशन है जिससे IAS IPS बनते हैं? वो एग्जाम है UPSC सिविल सर्विस। UPSC सिविल सर्विसेज के बारे में एक एक जानकारी पे चर्चा करेंगे। UPSC क्या होती है? UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यह भारत सरकार का एक संवैधानिक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो भारत सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती है और सिलेक्शन करती है। UPSC सिविल सर्विस में सिलेक्ट होकर IAS, IPS, DM, SP, सेक्रेटरी बनते हैं। UPSC सिविल सर्विसेज में कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं। ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन P&T अकाउंट्स फाइनेंस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी कमिश्नर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जूनियर ग्रेड, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस। ये जो 19 सर्विस है ये ऊपर ग्रुप ए लेवल के होते हैं। अब ग्रुप बी लेवल के ये 5 सर्विसेस होती हैं: आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस एंड दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमनद्वीप एंड दादर नगर हवेली सिविल सर्विस, ये ग्रुप बी कैटेगरी के होते हैं। दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमनद्वीप एंड दादर एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस, ये ग्रुप बी सर्विसेस हैं। पांडिचेरी सिविल सर्विस ग्रुप बी, पांडिचेरी पुलिस सर्विस ग्रुप बी। ये 24 प्रकार की सर्विसेस हैं जिसमें UPSC सिविल सर्विस के आधार पे बहाली होती है। अब UPSC सिविल सर्विस में बैठने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट होता है नेशनलिटी। अगर आप IAS, IPS, IFS के लिए अगर भरते हैं तो आपको प्योरली भारत का नागरिक होना चाहिए। इस 3 के अलावे जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए अगर आप भरते हैं तो भारत का नागरिक भर सकते हैं। साथ में और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान है वो भर सकते हैं। भारतीय मूल के जो नागरिक हैं और पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, जाम्बिया, वियतनाम में है और भारत में परमानेंट बसने के लिए आ गए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट क्या है? जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 32 ईयर्स है। SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, भले ही MBBS है, MTech है, BA है, BSc है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हों
किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें जो है अटेम्प्ट है, आप कितनी बार दे सकते हैं ये भी इस जो है यूपीएससी में निश्चित किया कर रखा है। जैसे आप कितने अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी एज है उतनी बार दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या वीकर सेक्शन से, जनरल वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आप 9 अटेम्प्ट एग्जाम इसमें दे सकते हैं। इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप देख लेंगे, उसके आधार पर आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका? इसमें सिलेक्शन का 3 स्टेज हैं। पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू एग्जामिनेशन होगा। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कम्पीट करते हैं तब आप मेन एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, और मेन एग्जाम में आप कम्पीट करते हैं तब इंटरव्यू में आप बैठ सकते हैं। और प्रीलिमिनरी एग्जाम जो है मेन में सेलेक्ट होने के लिए है, लेकिन अगर मेन एग्जाम, अगर फाइनल लिस्ट बनती है उसमें मेन एग्जाम का और इंटरव्यू का दोनों मार्क्स जोड़ के फाइनल मार्क्स लिस्ट, मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोनों पेपर में 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे, और जो पेपर फर्स्ट है उसी का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके आधार पे आप मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, वो पेपर फर्स्ट जो होंगे उसके आधार पे होगा कि आप उसमें कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब मेन एग्जाम की बात करेंगे, जो बच्चे प्रीलिमिनरी में अगर कम्पीट कर जाते हैं, जो बच्चे प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेन एग्जाम में बैठने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मेन एग्जाम में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होती है, दोनों लैंग्वेज होती है, एक पेपर फर्स्ट होता है, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई एक रख सकते हैं, और पेपर 2 जो इंग्लिश है वो जो है कंपलसरी सभी के लिए है। तो ये 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी है, दोनों लैंग्वेज 300 मार्क्स के होंगे, एसे बेस होंगे, और इसको आपको लिखना होगा, इसके आधार पे आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्वालिफाइंग के साथ ही 7 पेपर जो होंगे वो मेरिट के लिए होंगे, तो मेरिट के लिए जो 7 पेपर होंगे उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो एसे एग्जाम होती है, वो 250 मार्क्स की एग्जाम होती है। पेपर सेकेंड होती है जो जनरल स्टडीज फर्स्ट होती है, वो भी 250 मार्क्स के होंगे। पेपर सेकेंड में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज सेकेंड होगी जो 250 मार्क्स की होगी, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज थर्ड, ये भी 250 मार्क्स के होंगे, इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। पेपर फिफ्थ जनरल स्टडीज फोर्थ, ये भी 250 मार्क्स के होंगे, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सिक्स और पेपर सेवेंथ, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको चुनना पड़ता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आप 2 सब्जेक्ट चुनेंगे, ऑप्शनल फर्स्ट सब्जेक्ट, ये 250 मार्क्स होंगे, ऑप्शनल सेकेंड जो 250 मार्क्स के होंगे, और ऑप्शनल फर्स्ट पेपर सिक्स होता है, और पेपर सेवेंथ ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकेंड होगा। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट जो मेरिट बनेगी, टोटल 9 सब्जेक्ट हुए, 2 सब्जेक्ट तो क्वालिफाइंग है जो लैंग्वेज है, 7 सब्जेक्ट होंगे जो मेरिट बनेंगे।
मेन रिटन टेस्ट में जो है 1750 मार्क्स का एग्जाम हुआ। इस एग्जाम में के आधार पे आपको टॉप जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा तो आपको इंटरव्यू में 275 मार्क्स का एग्जाम होगा और फाइनल मेरिट मेन और इंटरव्यू के आधार पे जो बनाएंगे यानी 1750 प्लस 275 प्लस 275 दोनों मिला के 2025 मार्क्स के मार्क्स का एग्जाम होगा और इसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सर्वश्रेष्ठ ओहदे पे बैठकर भारत की सेवा कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई आपको क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।